हाँ तो भाई लोग यार कैसे उम्मीद है कि आप लोग यार बढ़िया होंगे, आपकी लाइफ यार मस्त चल रही होगी। तो देखो यार पहले एक बात बता दूं, आज की इस वीडियो में थोड़ी बहुत यार साउंड प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यार बाहर आ रही है बारिश सुबह से और इसी वजह से। तो आज हम बात करने वाले एक नई मूवी के बारे में जिसका आज फाइनली हिंदी डब प्रीमियर होने वाला है, नाम है उसका तीन घन चक्कर, जो आपको आज हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो इसी मूवी का करने वाले हैं रिव्यू, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ये रहा आपका इंट्रो। तो पहले बात करें इसमें स्टार कास्ट के बारे में, तो उसमें देखने को मिलने वाले हैं बॉबी प्लस कुछ और भी अच्छे एक्टर। बात करें कि स्टोरी क्या है, तो देखो स्टोरी फोकस करती है तीन दोस्तों पर जिनको यार जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में उनकी लाइफ ऐसे टर्न होती है जिस चीज की उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। अब इन सब बातों को जानने के लिए आपको तो देखना होगा मूवी को, जो मिल जाएगी टीवी पर आज, इसका प्रीमियर होने वाला है और कहां पर फ्री मिलेगी इसके बारे में आगे बात करेंगे। पर मेन बात कर लेते हैं अब रिव्यू के बारे में कि क्या अच्छा देखने को मिला क्या खराब देखने को मिला मूवी में। तो पहले बात स्टोरी के बारे में, तो देखो यार जिस तरीके से इन लोगों ने स्टोरी को रखा है वो पॉइंट यार अच्छा था। आपको यार कॉमेडी अच्छी दिखा देता है, कुछ चीजें हमें निराश करती है जैसे कि यार हॉरर कॉमेडी की उम्मीद रहती है पर वो हमें देखने नहीं मिली है। पर अगर इससे अलग बात करें तो देखो यार मूवी की स्टोरी कॉमेडी में प्लस कुछ और भी चीजों में यार अच्छा दिखाती है, ऑडियंस को कनेक्ट करती है, उनका टाइम पास करती है और ओवरऑल स्टोरी को मीडियम बोल सकते हो। बात कर ले इसकी स्क्रीन प्ले के बारे में, तो देखो यार फर्स्ट हाफ तो अच्छा था ही पर आपको उम्मीद रहता है यार सेकंड हाफ आपको बोर करेगा या फिर कुछ अलग दिखाएगा। तो देखो यार अलग दिखाने में उम्मीद होती है हॉरर कॉमेडी की, जो हमें नहीं दिखाती है और यहाँ पे मूवी थोड़ा बहुत निराश करेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मूवी बोर करने लगती है, कुछ और दिखाती है पर वो अच्छा था, इम्प्रेसिव था, ऑडियंस को कनेक्ट करेगा और ऑडियंस को मजा आएगा देख के, बोलेगी कि हाँ कुछ अच्छा देखने को मिला, उसमें बोर नहीं होती ऑडियंस। हाँ माइनस पॉइंट स्क्रीन प्ले में ये है कि यार एक कैरेक्टर की फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो शायद थोड़ा बहुत लंबा खिंच गया है, प्लस एक आइटम सॉन्ग है जिसकी जरूरत नहीं थी, तो यार ये दोनों चीजें यार माइनस पॉइंट में जाती है। बाकी स्क्रीन प्ले में जो सस्पेंस था जो ट्विस्ट था वो अच्छे थे, आपको काफी हद तक कनेक्ट करते हैं और चौंकाते हैं जो आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी बन सकता है और आपको इम्प्रेस करता है। तो ये सब चीजें यार प्लस पॉइंट में जाती है मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में। माइनस पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा बहुत मूवी की जो फ्लैशबैक वाला पॉइंट था वो लंबा खिंचता है, आइटम सॉन्ग है जिसकी यार बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, तो ये दोनों चीजें यार माइनस पॉइंट में जाती हैं। उसके बाद बात कर ले इसके बैकग्राउंड स्कोर के बारे में, तो यार देखो बैकग्राउंड स्कोर मीडियम है और उसको मीडियम से लो बोलूंगा मैं, क्योंकि यार मुझे उस क्वालिटी का सुनने को नहीं मिला। हो सकता है जिस टाइम में मूवी आई हो उस हिसाब से अच्छा हो, पर फिलहाल के हिसाब से तो यार बैकग्राउंड स्कोर इतना अच्छा नहीं था। अब बात निकल के आती है एक्टिंग के बारे में, तो जो तीनों मेन लीड में कैरेक्टर थे उनका काम यार अच्छा था, विलन का जो कैरेक्टर प्ले किया उनका काम भी सही था, एक्टिंग डिपार्टमेंट में यार मूवी अच्छी है और वहां पर आपको इम्प्रेस करेगी। तो ओवरऑल बात करें मूवी के बारे में तो उसको यार टाइम पास बोल सकते हो, मीडियम बोल सकते हो, आपको यार कुछ अच्छी कॉमेडी दिखाती है और कुछ अच्छे सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ। हाँ कहीं कहीं थोड़ा बहुत मूवी निराश करेगी जो शायद माइनस पॉइंट है, पर अगर उसको अलग छाट दें तो मूवी अच्छी थी, मेरा टाइम पास इसने किया, मुझे कुछ अच्छा दिखाया और थोड़ा बहुत हंसाया। तो अगर आपको थोड़ा बहुत हंसना हो, थोड़ा बहुत कुछ अच्छा देखना हो तो जाके मूवी को देख सकते हो, हिंदी डब प्रीमियर इसका आज रात हो जाएगा। अगर फ्री में देखना हो तो कल आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो मूवी यार अच्छी है, आपको एक बार देखना चाहिए अपने टाइम पास करने के लिए। तो मिलते हैं कल एक नई मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, तब तक के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ बोलना हो करना बताओ।